Very good evening, all my dear students. 400 more seats in your account. This means really a lot. 400 seat मिलने का मतलब होता है कि अगर उसका 15% निकालते हम तो 60 seats all India quota, यानी कि सभी students को benefit मिलने वाला है. Cut off नीचे जाएगी. ये कहाँ पर increase हुई है, कौन कौन से medical colleges हैं, किस किस state में हैं, सब बताने वाला हूँ मैं. बहुत जल्दी से बताता हूँ आपको. सबसे पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ये कर्नाटका का है, चिक्कावाली. इसमें 100 सीट्स, उसकी 15 सीट्स आप निकाल दीजिए, ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स को मिलेंगी और बाकी स्टेट को मिलने वाली हैं. दूसरा मेडिकल कॉलेज जैसा कि आप सभी जानते होंगे उत्तराखंड का, ये अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है. ये भी 100 सीट्स लेकर आ रहा है, 100 सीट्स ये भी इंक्रीज कर रहा है. तो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है, और 15 सीट्स का बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया सभी को मिलने वाला है. तो अगर आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले थे ये सोच के कि पता नहीं अब क्या होगा, तो निराशा छोड़िए, आशा की करण जाग उठिए है, इससे कट ऑफ डाउन जाने वाला है. और तीसरा कॉलेज है महाराष्ट्र का महाराष्ट्र का मेडिकल कॉलेज. यहाँ भी 100 सीट्स, पूरी 100 सीट्स, यानी कि फिर से 15 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में. और चौथा स्टेट है मध्य प्रदेश, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट लेकर आया है, लेकिन 100 सीट ये भी लेकर आया है. डेफिनेटली ऑल दीज आर गोइंग टू गिव यू बेनिफिट. तो आप याद रखिए, अभी जो डिसीजन आया था कि पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, देन ओनली स्टेट कोटा काउंसलिंग, नो क्लैश इन द डेट्स, उससे बेनिफिट मिलने वाला है कि आप सही डिसीजन ले पाएंगे. और ये 400 सीट का पूरा बेनिफिट तो आपको जरूर फायदा पहुंचाने वाला है. सारी शुभकामनाओं के साथ, माई सेल्फ हरेंद्र सिंह परिहार. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें. ओके.